क्लासेस अटेंशन। मॉर्निंग का टाइम और आज मैंने अपने लिए नाश्ते में बनाया है पोहा। और तो दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेके आए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मॉर्निंग का टाइम था और मैं गई थी कबीर के स्कूल, कुछ काम था मुझे, तो बस वहाँ पे मैं गई थी। तो मैंने देखा ये वेदर भी अमेजिंग था और व्यू भी बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और आज मैंने अपने लिए नाश्ते में बनाया है पोहा और यू कैन सी इट, और साथ में बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। तो बस ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कर रही हूँ आज मैं अराउंड 11 o'clock के करीब, और बहुत तेज़ भूख लग रही है गाइस। तो आज मेरा घर का सारा काम हो गया है फिनिश, तो अब बस मैं ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूँगी और अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा घर का काम किया एंड देन थोड़ा लो फील कर रही थी तो इसलिए थोड़ा देर सो गई थी, बट क्या करूं नींद भी नहीं आई तो इसलिए थोड़ा देर टीवी देखा एंड देन अभी कबीर का टाइम हो गया स्कूल का आने का, तो मैं चली गई थी बस स्टॉप पे कबीर को लेने के लिए। तो यहाँ पर मौसम बाहर का तो काफ़ी अच्छा है बट घर के अंदर काफ़ी ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ मैं वेट कर रही थी कबीर की स्कूल बस के आने का। और गाइस आप लोगों को बता दूँ आफ्टरनून के टाइम पर ना यहाँ इतनी ह्यूमिड लगती है कि यहाँ 5 मिनट का खड़ा होना भी बहुत ही मुश्किल लगता है। बदमाश। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक ही हूँ। तो यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला मौसम, तो यू कैन सी माय फेस। मैं अभी कबीर को लेने गई थी, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं बनाऊँगी लंच कबीर के लिए। एक्चुअली राजमा तो मैंने मॉर्निंग में ही बना लिए थे, बस राइस भी बना के रखे हुए थे, तो वो राइस बहुत कम खाता है तो इसलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ चपाती, और मैं लंच में लूँगी राजमा राइस एंड दही। तो बस अभी जल्दी से मैं कबीर के लिए 2 चपाती बना देती हूँ एंड देन हम लोग करेंगे लंच, देन मैं छोड़ने जाऊँगी कबीर को ट्यूशन क्लासेस के लिए और फिर वहाँ से लौट के आऊँगी। लेट्स सी फिर मैं क्या करती हूँ आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो गाइज़ मेरे साथ ब्लॉग पूरा देखना और बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगा दी है कबीर की प्लेट, तो आज रखा है खीरा राजमा एंड चपाती। और तो बस अब मैं दे देती हूँ कबीर को कबीर की प्लेट एंड देन थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूँगी आफ्टर लंच। तो दोस्तों अभी हो गया इवनिंग का टाइम, अगेन मैं बैठ गई हूँ हाफ कप चाय लेके, साथ में थोड़ा सा नमकीन, और मॉर्निंग में मैंने ये बादाम भिगोए थे, थोड़े से अखरोट भी भिगोए थे जो मैं खाना भूल गई थी, तो अभी आई एम हैविंग इट। तो यहाँ पे देखो ये शैतान बच्चा ट्यूशन से पढ़ के आते ही साथ मोबाइल में लग गया है। अभी पापा को एक वीडियो क्लिप भेजती हूँ मैं। हम पढ़ाई करके आए। पढ़ाई करके आए तो ज़रूरी आप मोबाइल देखो, कुछ और कर लो बेटा, अपने टॉयज से खेल लो। नहीं ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम वीडियो पापा देखेंगे और आके फिर अच्छे से पिलाई होगी आपकी। अब तो पापा को हमने परमिशन दे दी कि आपकी पिटाई भी करें, ठीक है। मिल्क फिनिश करो फटाफट, गेम में मत लगे रहो, कल आपका एग्ज़ाम है ना। कोई बात नहीं, इतनी मिस्टेक्स करते हो हिंदी में फिर भी कह रहे हो कोई बात नहीं, थोड़ी शर्म करो बेटा, ठीक है। बंद करो ये।
तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मौसम तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, लेकिन बाढ़ आ गई है दिल्ली में, तो इसलिए बच्चों के स्कूल हो गए हैं बंद। और कबीर का कल अगेन एग्ज़ाम था, बट उसका स्कूल भी आज कल क्लोज़ है, तो इसलिए मैं उसे पार्क लेके आ गई थी और पार्क में वो इंजॉय कर रहा था। और यहाँ पर मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो गाइस बस हम लोग पार्क से देखे, यहाँ पर उसकी टी शर्ट भी इतनी गीली हो गई थी ना पसीने से, तो हम लोग घर वापस आए थे। बस अब बनाऊँगी मैं डिनर एंड देन सी। तो दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेके आए हैं, चॉकलेट ब्राउनी और ट्रफल केक मीन्स पेस्ट्री। और यहाँ मैंने अपने लिए एक भुट्टा भुना था, बिकॉज मैं कबीर को जब पार्क से लेके आई तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो आई थॉट कि चलो कुछ नहीं है तो कॉर्न ही मतलब भून लेती हूँ और इसी को खा लूँगी। देन सडनली आई गॉट अ सरप्राइज़ कि देखो आज मैं काफ़ी लो फील कर रही थी तो मुझे ये सरप्राइज़ मिल गया। अपनी बहुत पसंद है स्पेशली मैकडी से, बट यहाँ आसपास कोई भी मैकडोनल्ड है नहीं, तो इस वजह से ये बेकरी से लेके आए हैं। और अभी मैं डिनर करूँगी देन मैं ये खाऊँगी। तो गाइज़ अभी आज मैं करती हूँ, पहले तो खाती हूँ ये कॉर्न, उसके बाद थोड़ी देर बाद डिनर करूँगी, देन थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग एंड करने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है, आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी। कि मैंने अपनी हमेशा अपनी लाइफ में देखा है जो आजकल हम लोग लाइफ जीते हैं ना, इट इज़ कम्प्लीटली आर्टिफिशियल लाइफ। कुछ भी होता है छोटी छोटी सी चीज़ हम बस स्टेटस लगा देते हैं या फेसबुक पे पिक्चर्स डाल देते हैं, और आई थिंक कि हमें ना लाइफ में बहुत ही छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा इंसान है ना जो आपकी केयर करता है, आपके बारे में सोचता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या फिर फ्रेंड्स हों या फिर हस्बैंड हो, बच्चे हों, कोई भी है, तो आपके उसके हर छोटे छोटे से एफर्ट्स को या छोटे छोटे से मोमेंट्स को अप्रिसिएट करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मी ना ये मोमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिकॉज लाइफ बहुत छोटी सी है, और अगर हम लोग सिर्फ इसी को नोटिस करते हैं किसने हमारे लिए क्या नहीं किया तो लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जब वो बीमार होते हैं तो उनके पास कोई नहीं होता एक गिलास पानी देने को, या फिर जब वो ज़्यादा बीमार होते हैं उसके बावजूद भी उनको काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, या फिर जो भी वो कर रहे होते हैं उनकी मजबूरी होती है। तो गाइज़ अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई भी है जो आपके लिए सोचता है, आपके लिए छोटे छोटे से एफर्ट्स करता है, तो उसको बहुत सेलिब्रेट करो और उसको ना थैंकफुल, लाइक उसको ना अप्रिसिएट करो बस। डोंट थिंक सो कि हम सभी ना उन लोगों के लिए थैंकफुल होते हैं इतना ज़्यादा, हम सोचते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें खुश रखना या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज़ करना, लेकिन ऐसा नहीं है। कि आपको जो भी बंदा या जो भी इंसान आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ कर रहा है तो उनकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अगर वो ना चाहे तो ना भी करे, मगर अगर कर रहा है तो यू शुड बी थैंकफुल, एंड उस इंसान का भी और भगवान का भी, दोनों का थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ आई होगी, या फिर मैं शायद एक्सप्लेन कर पाई हूँ ढंग से या नहीं, आई डोंट नो। तो एनीवेज आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।